इंडिया ने चाइना की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है लंदन कॉन्फिडेंशियल। ये Z5 पे रिलीज की गई और ये स्टोरी बनाई गई चाइना और इंडिया की वॉर जो कि होने वाली है अगर ये वायरस का पता ना चला तो, कि किसने भेजा है और क्या चीज़ें हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका रिव्यू और जानते हैं कि क्या आपको लंदन कॉन्फिडेंशियल देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इसमें क्या है खास बातें, क्या है बकवास बातें। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। जैसे कि अगर बात करेंगे हम इसकी कहानी की, तो मेन कहानी जो है वो दो किरदारों पर निर्धारित है। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि एक इंडियन स्पाई जो है उसे किडनैप कर लिया जाता है, उसे काफ़ी मारा जाता है और खबर आती है कि वो मर चुका है। और 7 दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है इंडिया और चाइना की, जिसमें एक सोर्स जो है वो सामने आना चाहता है कि ये वायरस जो है वो चाइना ने ही फैलाया है। तो उस सोर्स के बारे में सिर्फ उस पर्सन को पता होता है। तो ये 6 दिन जो इनके पीछे बचे हैं तो ये उसे ढूंढने में लगाते हैं कि वो सोर्स आखिर कौन हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो ये जो एजेंट्स हैं सारे ये मिलके ढूंढते हैं इसे। एक है उमा जो मेन मौनी रॉय प्ले कर रही हैं, और एक है अनुपमा जो कि कुलप्रीत रंधावा जी प्ले कर रही हैं। और ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से जो है वो दिखाया गया है कि 6 दिन कैसे मेहनत कर रहे हैं ढूंढने में उस बंदों को कि कौन हो सकता है आखिर सोर्स। इनका मेन मुद्दा यही है। तो कैसे छुप छुपा के जो है वो इंडियन एम्बेसी काम करती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो गद्दार है वो उन्हीं की एम्बेसी में है। तो चल रही है इन्वेस्टिगेशन। काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो आपका क्रिएट कर देगी ये स्टोरी। और लेकिन अगर बात करें हम एंडिंग की, तो एंडिंग मुझे थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि फीकी सी लगती है, क्योंकि मेनली अब किसने किडनैप करवाया, किसने मरवाया उस स्पाई को, ये तो कौन बता सकता है। ये उन्हीं के इंडियन एम्बेसी से ही बंदा बता सकता है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की। तो जिस पे मुझे शक था, जो मुझे लग रहा था शुरू से, एंड में वही निकला। तो मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ख़राब करूँगी, क्योंकि आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि कौन है विलन, तो आप फिर समझ ही जाओगे कि हाँ भाई स्टोरी बेकार ही होगी। बात करेंगे अगर फिल्म की कहानी की, तो कहानी मुझे थोड़ी सी ठीक सी लगी। मतलब ना मैं इसे इतनी खास बोलूँगी कि हाँ भाई आउट ऑफ द बॉक्स जाके इन्होंने कुछ बनाया है, ना मैं इसे बकवास बोलूँगी कि इतना बुरा भी नहीं था। 1 घंटे 17 मिनट की ये फिल्म है और काफ़ी ठीक है। अगर आप बोर हो रहे हैं, टाइम पास करने को कुछ नहीं है, तो आप इसे देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, आपका टाइम पास अच्छा हो जाएगा। बस एंडिंग में आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाएंगे और काफ़ी अजीब लगेगा। बात करेंगे अगर मेरे फेवरेट कैरेक्टर की, तो मुझे इसमें मौनी रॉय बहुत अच्छी लगी। मौनी रॉय इसमें प्रेग्नेंट हैं और फिर भी अपने काम को वो बिल्कुल ही बखूबी निभाती हैं। तो यही जो है वो इस वेब सीरीज़ की खासियत है। और धीरे धीरे चल के ये लोग केस को सॉल्व करते हैं। काफ़ी आपको इसमें एक्शन मिलेगा, थोड़ा बहुत ड्रामा मिलेगा, कंट्रोवर्सीज़ मिलेंगी कि कैसे जो है वो वॉर को रोका जाएगा या वॉर रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो इस बात का स्ट्रेस कितना रहता है इंडियन एम्बेसी पे भी और चाइनीज़ एम्बेसी पे भी कि हाँ बस जंग नहीं होनी चाहिए आपस में, और कैसे रिलेशंस मेंटेन रखे जाते हैं, ये सब इसमें आपको बताया गया है। और इन्होंने सच बताया तो इस वक्त ये मुद्दा उठा के, जैसे कोरोना वायरस हम सब लोग कह रहे थे कि हाँ भाई चाइना ने भेजा है जानबूझ के, तो एक और वायरस जो है वो वहाँ से आ गया है, लेकिन अब पता नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली भेजा है या नहीं भेजा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने उसकी बैंड बजाई है, इंडिया वालों ने चाइना वालों की बैंड बजा दी। और उन्होंने इनडायरेक्ट वे में साफ साफ बता दिया कि भाई चाइनीज़ तुम ही थे जिन्होंने कोरोना भेजा, और हमारे देश की देखो क्या हालत हो गई है, GDP गिर गई है और कितना लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा उन्होंने उठा दिया। और बात करेंगे अगर वेब सीरीज़ के स्टार्स की, तो मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं था जो हमने पहले ना देखा हो, कुछ यूनिकनेस नहीं थी इसमें। बट हाँ, इसमें यह था कि अच्छा आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, आप अच्छे से देख पाओगे और टाइम पास भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बस हाँ, एंडिंग जैसे मैंने पहले बताया कि डिसअपॉइंटेड है थोड़ी सी, बट बाकी आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी, वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।